हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं तालासारी बीच। ये तालासारी बीच दीघा और ओडिशा के बॉर्डर पे है। कायदे से तो ये ओडिशा के अंदर में आता है, लेकिन आप दीघा से जा सकते हैं और दीघा से इसके डिस्टेंस, इस बीच का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 7 किलोमीटर है। तो दीघा बीच से अगर आपने टोटो लिया तो वो टोटो आपको 150 या 200 रुपये चार्ज करेगा तालासारी तक ले जाने के लिए और वहाँ से वापस आने के लिए। बीच में आप काजू बागान देख सकते हैं। काजू बागान एक गार्डन है जिसको काजू गार्डन बोला जाता है। वहाँ पे काजू के पेड़ हैं और काजू यहाँ काफ़ी सस्ता मिलता है, तो आप रास्ते में चाहें तो काजू खरीद भी सकते हैं। सॉल्टेड काजू या जो कच्चा काजू बादाम होता है वो, या फ्राइड काजू भी मिलता है। और काजू बागान में जाकर आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि काजू के पेड़ कैसे होते हैं और वहाँ से काजू कैसे निकलता है, ये पूरा आप वहाँ देख सकते हैं। वो जो काजू बागान है वो दीघा और तालसरी का जो रोड है उसके बीच में आता है। अभी तो हम मेन रोड पे हैं। धीरे धीरे मेन रोड से ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, ये काजू बागान का बाउंड्री है। यहाँ से धीरे धीरे ये मेन रोड छोड़ के जो है ये गांव के अंदर जाएगा और वहाँ से ये पूरा जो ट्रैवल शुरू होगा। अभी हम तालासारी बीच पहुँच चुके हैं। टोटो आपको बीच से थोड़ी दूर पर उतार देगा और ये बीच की तरफ जाने का रास्ता है। इस रास्ते के दोनों तरफ दुकानें हैं। अगर आप शाम को आएंगे तो सारी दुकानें आपको खुली मिलेंगी। हम थोड़ा सुबह आ गए और आज का वेदर भी काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा धूप नहीं है तो क्लाउडी वेदर है। तो इस रास्ते से चलते हुए आपको सीधा जाना है और तालसरी बीच पे जो बोट सफारी होती है, जो बोटिंग होती है और बोट पे चढ़ा के आपको घुमाया जाता है, तो उस काउंटर तक जाना है जो बिल्कुल सामने दिख रहा है। ये पूरा रास्ता आपको थोड़ा सा पैदल यहाँ पे चलना होगा, अराउंड 5 मिनट्स। फिलहाल तो सारी दुकानें और लगभग बहुत सारी दुकानें बंद हैं, लेकिन फिर भी यहाँ खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध हैं। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी अवेलेबल है, चाय, होटल्स वगैरह सारी अवेलेबल हैं। काफ़ी सारे नाव हैं यहाँ जो टूरिस्ट को घुमाने के काम में आती हैं। ये दीघा का एक प्रमुख आकर्षणीय स्थल है। जो दीघा में आते हैं वो तालसारी ज़रूर देखने आते हैं, क्योंकि यहाँ का जो अनुभव है वो एक नॉर्मल बीच से काफ़ी अलग है। और वो अलग क्यों है ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। तो ये हम जेटी पे आ गए, तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है और यहाँ से आपको नाव मिलेगी तालसरी तक जाने के लिए। तो तालसरी एक्चुअली क्या है कि ये एक छोटा सा बीच है जो समुद्र के बीच में है, और वहाँ तक जाने के लिए आपको नाव का सहारा लेना होगा। और ये जर्नी बहुत खूबसूरत जर्नी है। और यहाँ पर देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें हैं जहाँ से आप घर वालों के लिए चीज़ें भी ले सकते हैं, कोई सोवेनियर वगैरह ले सकते हैं। तो ये हमारी नाव है और यहाँ का टिकट प्राइस है 100 रुपीज़ पर हेड, तो हर बंदे का 100 रुपये। तो हमारे साथ, हम लोग 3 जन हैं, तो तीनों का 100-100 रुपया मिला के तो टोटल 300 रुपया बनता है। तो यहाँ पे फीस 100 रुपये का है, हर बंदे का 100 रुपया लगेगा यहाँ पे। और अब हमारी बोट जो है वो चलने वाली है। सो यहाँ का जो पहला जो पहली चीज़ ये दिखाते हैं वो ये है कि यहाँ से आपको सीधे तालसारी नहीं ले जाएंगे। यहाँ पे एक मैनग्रोव का जंगल है, जैसे सुंदरवन मैनग्रोव का जंगल है वैसे यहाँ भी आपको मैनग्रोव का जंगल मिलेगा। तो पहले आपको वो मैनग्रोव का वो जंगल दिखाएंगे और फिर वहाँ से लौटते वक्त ये तालसारी जाएंगे। तो ये जो पूरा जर्नी है
ये काफी मनमोहक होने वाला है। और हमारे साथ कौशिक भाई और सौरभ भाई हैं जो इस पूरे बोट राइड का आनंद ले रहे हैं। और अब हम सीधा जा रहे हैं वो मैनग्रोव्स की तरफ। तो ये बोट राइड आपको तकरीबन 10 से 15 मिनट की होगी जो आपको मैनग्रोव्स के जंगल तक ले जाएगी और फिर वहाँ से वापस वो आपको तालसारी ले जाएंगे और तालसारी से फिर आपको वापस यहीं पे छोड़ देंगे। तो आप भी हमारे साथ रहिए और इस राइड का मज़ा लीजिए। ये रहा मैनग्रोव्स का जंगल। सुंदरवन और इस मैनग्रोव में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कोई बाघों का आतंक नहीं है। ये एक छोटा सा जंगल है लेकिन मैनग्रोव्स का ही है। अब इस जंगल को थोड़ा करीब से देखते हैं और इसके बाद ये अपनी बोट वापस घुमा लेंगे। बस हमें उस आखिरी छोर तक जाना है। ये जो तालसारी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है ताला और एक है सारी। ताला का मतलब है ताड़ के पेड़ और सारी का मतलब है इन अ रो। तो यहाँ पे बहुत सारे ताड़ के पेड़ आपको एक रो में दिखेंगे, इसीलिए इस जगह को तालासारी कहा जाता है। और अब भैया हमारे बोट को वापस घुमा लेंगे और अब हम जा रहे हैं बीच की तरफ। कौशिक भाई और सौरभ भाई काफी खुश, लेकिन इनकी खुशी और बढ़ने वाली है। जो बीच पे हम लोग जा रहे हैं उसका एक्सपीरियंस कुछ और ही होने वाला है। नॉर्मल बीच और तालसारी में डिफरेंस ये है कि नॉर्मल बीच में आपको सिर्फ एक तरफ समंदर दिखता है। आप अगर बीच की रेत पे खड़े हैं तो आपके सामने समंदर है, लेकिन तालसारी में आप अगर बीच पे खड़े होते हैं तो उस बीच के चारों तरफ समंदर है, वो समंदर के बीच में है।
ये है तालासारी बीच। ये देखिए चारों तरफ समंदर और बीच में रेत। अपनी बोट से आप यहाँ उतर सकते हैं। यहाँ पे लाल केकड़े पाए जाते हैं, आप उनके साथ खेल सकते हैं। लेकिन एक निवेदन है कि किसी भी केकड़े को या किसी भी जीव जंतु को हानि नहीं पहुँचाएँ। ये उनका नेचुरल हैबिटेट है और उनको अपने नेचुरल हैबिटेट में रहने दें। आप उनको देख सकते हैं लेकिन उनको मारने का या पकड़ने का प्रयास ना करें। इस बीच पे थोड़ी दूर तक जाने के बाद और घूमने के बाद हम लोग अब वापस जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ का समुद्र जो है वो काफ़ी शांत है। यहाँ पे बड़ी लहरें नहीं हैं। अगर बड़ी लहरें जब आती हैं तो इंसानों का इस बीच पे आना निषिद्ध हो जाता है, क्योंकि उस वक्त ये बीच जो है वो समुद्र के अंदर चला जाता है। लेकिन फ़िलहाल समुद्र बिल्कुल शांत और बड़ी लहरों की कोई गुंजाइश नहीं। मेरा आप सभी लोगों से ये विनम्र निवेदन है कि पर्यावरण की रक्षा करें, किसी भी तरह से उसको नुकसान नहीं पहुंचाएं, पानी में कोई भी प्लास्टिक वगैरह नहीं डालें। तो अब हम आ गए हैं वापस। हमारी बोट बिल्कुल वापस उसी जगह आ जाती है जहाँ से हम बोट पे चढ़े थे। और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, कि काफ़ी दुकानें हैं जहाँ से आप अपने घर वालों के लिए गिफ्ट वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पे नारियल पानी भी मिलता है और काफ़ी सारी खाने पीने की दुकानें हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएँ।